गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई के वी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएनएस एग्ज़ाम सिलेबस की, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा थी। बच्चे मैसेज कर रहे थे कि जनरल स्टैटिक आएगी या नहीं आएगी, पॉलिटिकल आएगी या नहीं आएगी। यानी आप लोगों के सारे डाउट आज इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। यानी आप लोगों को टोटली समझ में आ जाएगा कि एमएनएस एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक आप लोगों से पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे को ये सिलेबस की बात पता लग सके। तो देखिए, हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। तो आप सब जानते हैं, आप सब लोग साइंस फील्ड से हैं, तो आप सब लोगों से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद ही साथ ही आप लोगों से जनरल इंटेलिजेंस भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस में जनरल स्टडीज़ पूछी जाएगी। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़नी है और इकोनॉमी पढ़नी है। उसके बाद ही जनरल इंटेलिजेंस के अंदर ही आप लोगों से जनरल स्टैटिक्स पूछी जाएगी, जिसमें आपको अवार्ड्स याद करने हैं, डेज एंड डेट्स याद करनी है, यहाँ पर ट्रॉफ़ीज़ वगैरह आप लोगों को याद करनी है। फिर देखिए, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में आप लोगों से करंट अफेयर पूछा जाएगा और साथ ही रीजनिंग पूछा जाएगा। तो देखिए, करंट अफेयर की क्लास हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करा देते हैं और रीजनिंग की क्लास भी हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये आप लोगों का सिलेबस था जनरल इंटेलिजेंस का। फिर हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ कि इंग्लिश में आप लोगों का सिलेबस है जो क्या होगा। तो देखिए, इंग्लिश में आप लोगों से सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, स्टॉप द एरर पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, स्पेलिंग्स पूछी जाएगी और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो देखिए, जो इंग्लिश है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और जनरल इंटेलिजेंस में आपकी करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग इंग्लिश में अगर ये 5 टॉपिक भी क्लियर करते हैं तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। तो देखिए, ये जो 5 टॉपिक है उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं कि हमारा जो 6th टॉपिक है वो क्या होगा। 6th टॉपिक है डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड्स। फिर आप लोगों को देखना है यहाँ पे फ्रेजेस। फिर आप लोगों को देखना वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, यहाँ पे ये जो तीनों टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को देखना है सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, ये क्या है, सेंटेंस पार्ट है। फिर देखना है इम्प्रूवमेंट और लास्ट में आप लोगों को देखना है कंफ्रेजन पेजेस। यानी आप लोगों को यहाँ पे ये टॉपिक्स देखने हैं। देखिए, ये हमने बात करी जनरल इंटेलिजेंस की और इंग्लिश के सिलेबस की, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार की पूछी जाएगी। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, सिलेबस का PDF चाहिए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।